एबीपीएस न्यूज सच का साथी। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आज की खबरों के साथ आपसे हुआ हूं आज रूबरू। अखिल भारतीय प्रधान संगठन जो पिछले 82 दिन से लगातार इको गार्डन में बैठा हुआ है और 73वां संविधान संशोधन लागू कराने की मांग को लेकर अपनी बात पर अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गांव की सरकार जो पहले कभी हुआ करती थी आज वो सरकार खतरे में है। इसी मामले को लेकर हमने आज इको गार्डन में बात की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय जी से, और इनके साथ मौजूद थे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव जी, जिन्होंने बताया कि सरकार ने 2016 में ये वादा किया था कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी भाजपा की सरकार बन जाएगी तो ग्राम पंचायतों को एक स्वतंत्र सत्ता का उन्हें मालिक बना दिया जाएगा। लेकिन इतने समय बीतने के बाद भी उत्तर प्रदेश के जो ग्राम प्रधान हैं वो अपने गांव की आज़ादी चाहते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पा रही है। और अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जितेंद्र चौधरी, उन्होंने ये सपना देखा है कि गांव की सरकार जो होगी वो उसी तरह होगी जिस तरह से काफ़ी समय पहले हुआ करती थी। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। तो पिछले 82 दिन से लगातार इको गार्डन में बैठा हुआ है और 73वां संविधान संशोधन लागू कराने की मांग को लेकर अपनी बात पर अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गांव की सरकार जो पहले कभी हुआ करती थी आज वो सरकार खतरे में है। इसी मामले को लेकर हमने आज इको गार्डन में बात की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय जी से, और इनके साथ मौजूद थे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव जी, जिन्होंने बताया कि सरकार ने 2016 में ये वादा किया था कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी भाजपा की सरकार बन जाएगी तो ग्राम पंचायतों को एक स्वतंत्र सत्ता का उन्हें मालिक बना दिया जाएगा। लेकिन इतने समय बीतने के बाद भी उत्तर प्रदेश के जो ग्राम प्रधान हैं वो अपने गांव की आज़ादी चाहते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पा रही है। और अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जितेंद्र चौधरी, उन्होंने ये सपना देखा है कि गांव की सरकार जो होगी वो उसी तरह होगी जिस तरह से काफ़ी समय पहले हुआ करती थी। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। में लगे हुए हैं हम, कहीं एडीओ पंचायत का चक्कर लगाते हैं, कहीं सेक्रेटरी का चक्कर लगाते हैं, कहीं वीडियो का चक्कर लगाते हैं। आज राजा नौकर की भूमिका में कहां मौजूद है हम, ना ही में तुम आओ। इन सब मांगों को लेकर के अभी तक हम बहुत तमाम मांगे मांगते थे हा? लेकिन अब एक ही मांग हमारी है, अरे तुम आ जाओ कि गांव को सरकार का दर्जा दे दो, मुख्यमंत्री जैसा अधिकार दे दो, 29 विभाग दे दो, गणराज्य का दर्जा दे दो। क्या आप लोग चाहते हैं क्या कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, मुख्यमंत्री जैसा अधिकार आप लोगों को मिल जाए? तमाम संघर्ष लोगों ने किया, जिनको मिला संघर्ष के बल पर मिला। अभी आपने रसोइयां जिसको बनाया आपने वो जाग गई, रोजगार सेवक जाग गया, शिक्षा मित्र जाग गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जाग गई, लेकिन हम जाग करके सो रहे हैं। अधिकार खाली मांगने से नहीं मिलते, जिनको भी अधिकार मिला है वो छीनने से मिलता है। आप लोग जिस दिन अपने आप में आ जाओ, मेरा खुला चैलेंज है कि एक दिन का समय आप दे दो। आप महीने में 300 दिन भागते हो लेकिन भागने से कुछ नहीं मिलता। एक सेक्रेटरी आपको नचा रहा है, एक एडीओ पंचायत नचा रहा है, एक वीडियो नचा रहा है, और आप सब लोग नाच रहे हैं। मेरा खुला चैलेंज है कि सब लोग इकट्ठा होकर के महीने में एक दिन का समय अगर ब्लॉक में देना शुरू कर दें और 100-100 रुपए का कलेक्शन कर दें, 50 पंचायतें हैं, 60 प्रधान हैं, 70 प्रधान हैं, 50 प्रधान जहाँ हैं वो 50 लोग इकट्ठा होकर के 100-100 रुपए का कलेक्शन कर लो,
और बढ़िया वीआईपी खाने पीने की व्यवस्था कर लो, माइक लगा लो और माइक लगा करके चिल्लाना शुरू कर दो कि वीडियो इतना कमीशन मांगत है, एडीओ पंचायत इतना कमीशन मांगत है, टीए इतना कमीशन मांगत है, एमबी करने वाला इतना कमीशन मांगत है,